नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वडोदरा यात्रा से पहले सहज रंगोली समूह के 5 कलाकारों ने एक मॉल में पीएम की 25 बाई 10 फीट की खूबसूरत रंगोली बनाई। पीएम के स्वागत के लिए ये कलाकृति 150 किलोग्राम रंगों से बनाई गई थी। मॉल में इस खूबसूरत रंगोली को निहारते हुए कई लोग नजर आए। सहज रंगोली ग्रुप की सदस्य हेमा जोशी ने बताया कि पीएम मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं, हमने उनके स्वागत के लिए ये रंगोली बनाई है। इसमें 150 किलो रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये रंगोली बनाने में हमारे 5 कलाकार थे और 150 किलो जैसा कलर हमारा इस रंगोली के लिए यूज हुआ है। ये रंगोली हमने नरेंद्र मोदी 18 तारीख को हमारे बड़ोड़ा में आ रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए सीआर पाटिल जी ने ऐसा कहा था कि सब घर घर रंगोली बनाएं। हमने 10 फुट बाई 25 फुट की यह रंगोली केवल रंगोली के कलर से बनाई है और 20 घंटे के मेहनत के बाद हमारे 5 कलाकारों ने इस रंगोली को कम्प्लीट किया हुआ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। 4 किलोमीटर के रोड शो के बाद पीएम मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी गुजरात में 2000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 1,40,000 घरों का आवंटन और 16,000 करोड़ रुपए की रेल विकास योजनाएं भी शुरू होंगी। इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।